संभाजी भोसले मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के बड़े बेटे थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद वे उनके राज्य के वारिस थे। संभाजी राजे का साम्राज्य ज्यादातर हमें मुगलों और मराठाओं के युद्ध के बीच ही दिखाई देता है। बचपन से ही वे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध थे। उनका साम्राज्य मुगल सिद्धि मैसूर और पुर्तगाल के बीच फैला था। संभाजी महाराज का जन्म शिवाजी पुरंदर किले पर हुआ था। जब संभाजी 2 साल के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था और उनकी दादी जीजाबाई ने उनका पालन पोषण किया। 9 साल की आयु में ही संभाजी राजे को अंबेर के राजा जयसिंह के साथ रहने के लिए भेजा गया ताकि वे मुगलों द्वारा 11 जून 1665 की धोखेबाजी को जान सके और उनके राजनीतिक दावों को समझ सके। संभाजी महाराज ने राजनीतिक समझौते के चलते जीवूबाई से विवाह कर लिया और मराठा रीति रिवाजों के अनुसार उन्होंने उनका नाम येसुबाई रखा। संभाजी राजे अपनी शौर्यता के लिए काफी प्रसिद्ध थे। संभाजी राजे ने अपने कम समय के मराठा साम्राज्य के शासन काल में 120 युद्ध किए और इसमें एक प्रमुख बात ये थी कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराभूत नहीं हुई। इस तरह का पराक्रम करने वाले वह शायद एकमात्र योद्धा होंगे। उनके पराक्रम की वजह से परेशान होकर दिल्ली के बादशाह औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी पकड़े नहीं जाएंगे वो अपना ताज सर पर नहीं पहनेंगे। मुगलों ने उन्हें कैद करने के कई असफल प्रयास भी किए। कहा जाता है कि कैदी बनने के बाद खुद औरंगजेब ने भी वीर मराठा योद्धा संभाजी की प्रशंसा की थी।